आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में दीपावली के पर्व पर पहुंचे नगर विकास मंत्री ने दीपावली पर जिले को तोहफा दिया। उन्होंने जनपद के 5 जगहों को नगर पंचायत की घोषणा करने के साथ 21 लाख की 36 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, साथ ही सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल के साथ विधायकगण व अन्य लोग भी मौजूद थे। साथ ही निकाय चुनाव में उन्होंने पारदर्शिता बरतने की बात भी कही। सिद्धार्थनगर को हम करोड़ों रुपए की योजनाएं देके जा रहे हैं, शिलान्यास किया है। 36 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, 8 करोड़ रुपया पाइपलाइन में हमने दे दिया, भी आपको हमने घोषणा भी कर दी, बता भी दिया एक एक चीज, और 5 नगर पंचायतों की हमने घोषणा की है कि हम आने वाले भविष्य में मतलब 2018 में 5 नगर पंचायतें बनाएंगे, ओवर हेड टैंक बनवाएंगे और एक सामुदायिक केंद्र भी बनवाएंगे डुमरियागंज में, कि ये इस सिद्धार्थनगर का विकास तेजी से हो। और जैसी कि माननीय पाल साहब ने मांग की है कि एयर कनेक्टिविटी, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, अलग से प्रयास करेंगे कि इसमें एयर कनेक्टिविटी ज़रूर हो जाए। दीपावली के मौके पर आगरा की जनता को बड़ा तोहफा मिला। शहर के सबसे व्यस्तम वाटरवर्क्स चौराहे के ऊपर बन रहे ब्रिज को जनता के लिए खोल दिया गया, जिससे अब भयंकर जाम से निजात मिलेगी। वाटरवर्क्स चौराहा काफी व्यस्त चौराहा है, जिसे ताजमहल और लाल किले के लिए रास्ता जाता है। इस ब्रिज का उद्घाटन स्थानीय सांसद रामशंकर कटेरिया ने किया। सियासत में जुबानी जंग और शब्दबाण थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में आगरा सीकरी से सांसद बाबूलाल ने हैदराबाद के सांसद ओवैसी की तुलना कुत्ते से कर डाली, तो साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को लाल किले से झंडा फहराने से कोई नहीं रोक सकता, वे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी काम कर रहे हैं। इस मौके पर बाबूलाल ने राम मंदिर के निर्माण को 200% तक करने की बात कह दी। बता दें कि भाजपा के दीपावली के कार्यक्रम में शिरकत करने आगरा सीकरी के सांसद बाबूलाल यहाँ पहुँचे थे। कौन क्या कहता है, गाड़ी के पीछे कुत्ते बहुत से भौंकते रहते हैं। हमारे पीएम अकेले हिंदुस्तान के पीएम नहीं, पूरे विश्व के सबसे बड़े लीडर के रूप में है, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री है, देश के सबसे बड़े नेता है वो। उनको लाल किले से झंडा फहराने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। मेयर चुनाव में क्या स्थिति लग रही है, बीजेपी जीतेगी? बीजेपी 200% जीतेगी। आध्यात्मिक नगरी काशी में त्योहार मनाने का अपना एक अलग ही अंदाज है। यहाँ दीपावली के पूर्व संध्या पर सिकरा स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया। जहाँ लाखों दियों से इसको रोशन किया गया, तो वहीं हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। साथ ही खिलाड़ियों की मेहनत यहाँ रंग लाई, तो वहीं चाइनीज सामान का बहिष्कार भी किया गया। बलिया के रसड़ा के चंद्रवार गांव के बेटे आदर्श अमोल ने UBPCS की परीक्षा में 186वां रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। अमोल को यह सफलता प्रथम प्रयास में हासिल हुई है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है, तो वहीं घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दीपावली के पर्व पर दीपदान और गोवर्धन पूजा के लिए देशी विदेशी श्रद्धालु मथुरा के गोवर्धन में पहुंच रहे हैं। वहीं इस मौके पर ब्रज की गोपी गोपिकाओं की वेशभूषा और हाथ में झांझ मजीरे और मुख पर बोल हरि नाम संकीर्तन करते हुए गिरिराज परिक्रमा कर रहे विदेशी भक्त भारतीय धर्म और संस्कृति की विश्वव्यापी छाप छोड़ते नजर आए। तो आने वाले गोवर्धन पूजा महोत्सव के लिए आस्था का सैलाब भी उमड़ रहा है। So when Krishna was really young, he woke up and everything was happening, busy, and he asked his mother, Mother Yasoda, is it my birthday? Because so many preparations, so much festival is happening. And she said she's busy, and she went to her Nanda Baba, and Nanda Baba said, no, it's we're worshipping Indra today. But Krishna convinced everyone that today instead we should worship Giriraj Govardhan, because he can give everything. And yeah. आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।